हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटर के पराठे, जो बनने में बहुत ज़्यादा इजी है और सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी है। तो वो यहाँ पे मैंने रागी का आटा लिया है। ये पराठे रागी के आटे से बनेंगे। तो रागी के आटे में मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स किया है, और ये अभी डो हमारा यहाँ पे रेडी है। तो मैं डो रेस्ट के लिए 20 मिनट तक रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े अनियन लिए हैं, इसको बारीक चॉप करना है। चॉप करेंगे तो पराठे फूटेंगे नहीं। ये मैं फिर से मिक्सी पे पीसने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर ली है, मटर एकदम फ्रेश मटर है ये, और इसको दरदरा सा पीसना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई पे मैंने जीरा डाला, और उसके बाद मैंने जो अनियन चॉप किए थे वो डाल दिए। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। 1 चम्मच मैंने डाला गरम मसाला, उसके बाद 2 चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर, और 1/2 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला। उसके बाद जो हमने मटर पीस के ली थी वो डाल देंगे। उसके ऊपर स्वादानुसार सॉल्ट डालना है। यहाँ पे वो सब सारण 2 मिनट तक भूनना है। उसके बाद मैं एक लोई लूँगी, और जैसे हम बनाते हैं पूरन पोली के लिए वैसे ही बनाना है, और उसमें हम डालेंगे सारण। और सारण डालने के बाद आपको हाथ से सब जगह पे प्रेस करना है, ताकि सारण सब जगह पे जाना चाहिए। हाथ से प्रेस करेंगे तो सभी जगह पे मसाला जाएगा, और बेलने के टाइम पे थोड़ा आराम से बेलना है हल्के हाथ से। यहाँ पे हमारा पराठा रेडी है। तो मैं ऊपर से बटर लगा रही हूँ। अगर आपको घी पसंद है तो घी भी लगा सकते हैं, या ऑयल से भी, ऑयल भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे अल्टी पल्टी करके सेक रही हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।